चींटियों के झुंड ने सोमवार 6 सितंबर को एयर इंडिया की किरकिरी करा दी। दिल्ली एयरपोर्ट से सोमवार को इस एयरलाइन की एक फ्लाइट इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि इसकी बिजनेस क्लास में चींटियों का झुंड पाया गया। इस फ्लाइट से भूटान के प्रिंस को भी यात्रा करनी थी। क्रू मेंबर्स ने विमान में चींटियों को देखते ही विमान के पायलट्स को जानकारी दी। पायलट्स ने फिर टेक ऑफ नहीं करने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक AI-111 फ्लाइट को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन बिजनेस क्लास के यात्रियों ने विमान में चींटियां होने की शिकायत की। इसके बाद सभी 248 यात्रियों को उतार कर विमान को स्क्रीनिंग के लिए टेक्निकल एरिया में ले जाया गया। वहां विमान की पूरी तरह स्क्रीनिंग हुई। भूटान के प्रिंस समेत सभी यात्रियों को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटरनेशनल टर्मिनल पर 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। एयरलाइन अधिकारियों के मुताबिक तकनीकी वजह से दूसरे विमान से यात्रियों को लंदन भेजा गया। सभी यात्रियों को दोबारा इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक्स के बाद विमान पर चढ़ने की अनुमति दी गई। इस साल मई में भी एयर इंडिया के विमान को चमगादड़ मौजूद होने की वजह से टेक ऑफ के बाद लौटना पड़ा था। उस विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉकपिट में चमगादड़ मौजूद होने की सूचना दी थी। जुलाई में एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान को शीशे में दरार होने की वजह से तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी हालात में उतरना पड़ा था। सऊदी अरब जा रही उस फ्लाइट में गरीबत ये थी कि चालक दल के 8 सदस्यों के अलावा कोई यात्री विमान में मौजूद नहीं था। COVID-19 की पाबंदियों की वजह से उस विमान पर यात्री मौजूद नहीं थे। सामान की ढुलाई के लिए वो फ्लाइट थी। ब्यूरो रिपोर्ट,